हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह। सिद्धार्थ जी, अमित शाह जी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने में 25 साल लगेंगे, चुनावी वायदों में तो आपने 5 साल का वायदा किया था और जनता ने जनादेश भी दिया था, अब 25 साल क्यों? देखिए, जिस अखबार ने इस चीज़ को लिखा है उसकी हेडलाइन पढ़ ले और अंदर जो लिखा है वो पढ़ ले तो उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो इसलिए अखबार वालों को भी सोचना चाहिए कि हेडलाइन क्या बना रहे हैं। मीडिया किसी तरफ डायरेक्शन देना चाहे वो सही नहीं है, क्योंकि अंदर ही उन्होंने लिखा है कि 5 साल में हम क्या क्या करेंगे। 5 साल में अर्थव्यवस्था पटरी पे लाएंगे, 5 साल के अंदर फॉरेन पॉलिसी को और मजबूत करेंगे, 5 साल के अंदर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज करेंगे, हम लोग विकास की दर और बढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में 5 साल में कहा। और फिर कहा है कि ये जो संपर्क अभियान है और जिस प्रकार से ट्रेनिंग हो रही है, 11 करोड़ लोगों का जो संपर्क होएगा और फिर ट्रेनिंग 15 लाख की होएगी, उसको करते हुए पंचायत से लेकर लोकसभा तक की भारतीय जनता पार्टी का शासन होएगा। और वो जब हम लोग करेंगे तो जो विश्व गुरु का हम लोग का भारत का एक स्थान था ब्रिटिश राज के पहले, उसको हम लोग हासिल कर पाएंगे। ये आपकी अपनी दलील है, लेकिन विरोधियों ने आप पे हमला शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह ने बहुत तल्क लहजे में ट्वीट किया है, आम आदमी पार्टी भी तंज कस रही है कि अगर ये आपने पहले बोला होता तो एक भी सीट ना मिलती। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी तो एक रीजनल पार्टी, उस पर तो टिप्पणी करूँगा नहीं। हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और उनके दिग्विजय सिंह बड़े हैं, तब मैं दिग्विजय सिंह को ये समझाना चाहूँगा कि उनको विश्व गुरु भारत क्या था उसको तो उनका अंदाज नहीं रहेगा, क्योंकि लेडी ह्यूम से लेके लेडी सोनिया गांधी तक की उनको जानकारी है। विश्व गुरु भारत कैसे था और क्यों था उसके बारे में उनको जानकारी नहीं, तो हो सकता है उनके जो भाव हैं वो अपने ट्वीट में प्रकट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, अभी तक सरकार का जो कामकाज रहा है बहुत पॉलिसी के स्तर पे और तमाम चीज़ों के स्तर पे, वाकई ज़मीन पर जनता को अच्छे दिनों का एहसास कब तक होगा? देखिए, जनता को तो जो है अच्छे दिन है उस पर एहसास होने लगा, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई थी और उसके साथ साथ जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, उसके साथ जो किसानों के लिए जो हेल्थ सॉइल कार्ड, फिर बीमा योजना, अब कोई ये बताए 65 साल लग जाए कि समाज को एक सिक्योरिटी नेटवर्क देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए लोगों को 65 साल तक इंतज़ार करना पड़े कि आपको बीमा योजना मिल सके 12 रुपये, 330 रुपये में, वो किसने किया? वही तो अच्छे दिन है। और अटल पेंशन योजना मिले, इस प्रकार की चीज़ें किसने लेकर आए, ये इसी सरकार की देन है। तो बहुत काम किए हैं और काम और करने हैं, लोगों को महसूस हो रहा है आने वाले 4 साल में उसकी गति और बढ़ेगी ज़मीन पे और उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसका आशीर्वाद जनता 2019 में जरूर देगी। विरोधी आपकी इस बात को क्यों नहीं समझते हैं और वो तो लगातार सवाल उठा रहे हैं सरकार पर? तो उनको फिर विरोधी कैसे कहेंगे आप? उनका सवाल उठाने का उनका हक बनता है, उनका दायित्व है, आप उसको भी कैसे छीन लें? तो उनको कहीं वो सवाल नहीं करेंगे, गलत भी होंगे सवाल जब भी ना उठाएं, तो वो तो फिर हमारे साथ वाले हो जाएंगे, मगर फिर आप विरोधी नहीं बोलेंगे, तो इसलिए उनको उठाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिद्धार्थनाथ सिंह का ये कहना है कि जो खबर है 25 साल वाली वो गलत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनाने में समय लगेगा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, लेकिन जो चुनावी वायदे थे सरकार ने, बीजेपी ने जो कुछ वायदे किए थे, बीजेपी सरकार सही दिशा में काम कर रही है और अपने चुनावी वायदों को 5 साल में पूरा करके दिखाएगी। कैमरामैन राजू रंजन के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, फोकस न्यूज़, दिल्ली।